पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने ठेकेदारों के साथ बैठक की है। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने ठेकेदार से रॉयल्टी पर जारी नए शासन को लेकर विस्तृत चर्चा की है। इस दौरान डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि निर्माण कार्यों पर 5 गुना जुर्माने की धनराशि वसूली जाने की भ्रांति फैलाई जा रही है, जो कि निराधार है। वहीं ठेकेदार संघ के उपाध्यक्ष उपेंद्र भट्ट ने कहा कि बैठक में सकारात्मक बात ही निकलकर सामने आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर नए तरीके से रॉयल्टी काटी जाती है तो ठेकेदार उसके संबंध में जिलाधिकारी से सीधे बात कर मामले का निस्तारण कर सकते हैं। पौड़ी से संवाददाता मुकेश वछेती की रिपोर्ट। बैठक थी रॉयल्टी के संबंध में थी, जो 19-21 तारीख का जो नया शासन आदेश जारी हुआ, जिसमें हमारे बैठक हुई थी खनन अधिकारी सचिव के साथ, कई ठेकेदार उस बैठक में शामिल हुए थे। वो नया शासन आदेश जिलाधिकारी ने हमें समझाया है कि जो पुरानी रॉयल्टी है वही लागू रहेगी, वही नियम लागू रहेगा। ठेकेदारों से पूर्व की भांति जो रॉयल्टी बिल से काटी जाती, देर से काटी जाती थी, वही व्यवस्था रहेगी। और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से आके यहाँ पे आके वार्ता करें। इसके पश्चात फिलहाल ठेकेदार संघ द्वारा फिलहाल ही बोल सकता हूँ कि जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन था उसे रोक दिया गया। आज हमने सभी ठेकेदारों से जो भी विभाग में काम करते हैं, जिनके लंबित देयक थे, उनसे वार्ता किया। उनके साथ में इस नए जीओ को, नए जो शासन देश है, इसके बारे में जानकारी अवगत कराई और उनको बारे में स्थिति स्पष्ट कराई, जिसको ठेकेदारों के द्वारा स्वीकार किया गया है। और जो कार्य बहिष्कार का जो उन्होंने पूर्व में निर्णय लिया था उसको उन्होंने वापस लिया है और कार्य प्रारंभ करने के लिए वो तैयार हो गए हैं।